अब नजर डालते हैं आज की जो नई लिस्टिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है ई मुद्रा। क्या व्यू है सर इस पर आपका? जी देखिए, करीबन करीबन पौने तीन गुना इशू भरा था जी, 243 से 256 रुपए की इशू प्राइस थी और 412-13 करोड़ का इशू था, तो 256 रुपए पे प्राइस किया गया ऊपरी बैंड पर। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया, डिजिटल सिग्नेचर और इससे जुड़े हुए कारोबार में है कंपनी और मार्केट लीडर है, लगभग लगभग 35-37% का मार्केट शेयर है, तो मतलब अच्छा बिजनेस है, प्राइसिंग पावर है, प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ ठीक था। हमारी राय यह थी कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में पैसा, इस आईपीओ में पैसा लगाएं, उसकी वजह यह थी कि थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल और दूसरा थोड़ा सा वैल्यूएशन हल्के से कम होते तो बेहतर था। तो मेरा यह समझना है कि इश्यू प्राइस जो है 256 रुपए उसके आसपास ही लिस्ट होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो जाए या उस इश्यू प्राइस के आसपास लिस्ट हो, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को रिस्क कम रखनी है दीप, तो फिर वो स्टॉप लॉस लगा कर रखें और वो स्टॉप लॉस आपका 240 रुपए का होना चाहिए, 15-16 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट करना है तो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिजनेस मॉडल प्रमोटर्स को देखते हुए आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर अच्छा सब्सटेंशियल डिस्काउंट मिल जाए, सपोज 256 रुपए की प्राइस है, गलती से 210 रुपए की प्राइस में अगर आ जाए, आएगा नहीं, अगर आ जाए तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा आपको। तो कहीं कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, प्रमोटर्स अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूएशन और रीजनेबल होता तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अपने जमाने की अकेली कंपनी होगी इस तरह की, Exactly. तो उसमें वैल्यूएशन आप जस्टिफाई मुश्किल से कर पाते हैं क्योंकि आप एम सीडीएसएल वगैरह से कंपेयर करते हैं जो कि 1-on-1 नहीं है। Exactly. तो आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा सा है, तो इश्यू प्राइस के आसपास ही कहीं लिस्ट होना चाहिए और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। लॉन्ग टर्म होल्ड है, लॉन्ग टर्म बढ़िया, इस कंपनी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो आज लिस्टिंग होना देते हैं, 256 का इशू प्राइस है, उसके आसपास देखते हैं लिस्टिंग होने की संभावना है। 240 के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखें, कोई परेशानी नहीं है इस कंपनी पर। अब नजर डालते हैं आज की जो नई लिस्टिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है ई मुद्रा। क्या व्यू है सर इस पर आपका? जी देखिए, करीबन करीबन पौने तीन गुना इशू भरा था जी, 243 से 256 रुपए की इशू प्राइस थी और 412-13 करोड़ का इशू था, तो 256 रुपए पे प्राइस किया गया ऊपरी बैंड पर। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया, डिजिटल सिग्नेचर और इससे जुड़े हुए कारोबार में है कंपनी और मार्केट लीडर है, लगभग लगभग 35-37% का मार्केट शेयर है, तो मतलब अच्छा बिजनेस है, प्राइसिंग पावर है, प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ ठीक था। हमारी राय यह थी कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में पैसा, इस आईपीओ में पैसा लगाएं, उसकी वजह यह थी कि थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल और दूसरा थोड़ा सा वैल्यूएशन हल्के से कम होते तो बेहतर था। तो मेरा यह समझना है कि इश्यू प्राइस जो है 256 रुपए उसके आसपास ही लिस्ट होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो जाए या उस इश्यू प्राइस के आसपास लिस्ट हो, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को रिस्क कम रखनी है दीप, तो फिर वो स्टॉप लॉस लगा कर रखें और वो स्टॉप लॉस आपका 240 रुपए का होना चाहिए, 15-16 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट करना है तो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिजनेस मॉडल प्रमोटर्स को देखते हुए आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर अच्छा सब्सटेंशियल डिस्काउंट मिल जाए, सपोज 256 रुपए की प्राइस है, गलती से 200-210 रुपए की प्राइस में अगर आ जाए, आएगा नहीं, अगर आ जाए तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा आपको। तो कहीं कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, प्रमोटर्स अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूएशन और रीजनेबल होता तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अपने जमाने की अकेली कंपनी होगी इस तरह की, Exactly. तो उसमें वैल्यूएशन आप जस्टिफाई मुश्किल से कर पाते हैं क्योंकि आप एम सीडीएसएल वगैरह से कंपेयर करते हैं जो कि 1-on-1 नहीं है। Exactly. तो आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा सा है, तो इश्यू प्राइस के आसपास ही कहीं लिस्ट होना चाहिए और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। लॉन्ग टर्म होल्ड है, लॉन्ग टर्म बढ़िया, इस कंपनी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो आज लिस्टिंग होना देते हैं, 256 का इशू प्राइस है, उसके आसपास देखते हैं लिस्टिंग होने की संभावना है। 240 के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखें, कोई परेशानी नहीं है इस कंपनी पर। अब नजर डालते हैं आज की जो नई लिस्टिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है ई मुद्रा। क्या व्यू है सर इस पर आपका? जी देखिए, करीबन करीबन पौने तीन गुना इशू भरा था जी, 243 से 256 रुपए की इशू प्राइस थी और 412-13 करोड़ का इशू था, तो 256 रुपए पे प्राइस किया गया ऊपरी बैंड पर। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया, डिजिटल सिग्नेचर और इससे जुड़े हुए कारोबार में है कंपनी और मार्केट लीडर है, लगभग लगभग 35-37% का मार्केट शेयर है, तो मतलब अच्छा बिजनेस है, प्राइसिंग पावर है, प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ ठीक था। हमारी राय यह थी कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में पैसा, इस आईपीओ में पैसा लगाएं, उसकी वजह यह थी कि थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल और दूसरा थोड़ा सा वैल्यूएशन हल्के से कम होते तो बेहतर था। तो मेरा यह समझना है कि इश्यू प्राइस जो है 256 रुपए उसके आसपास ही लिस्ट होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो जाए या उस इश्यू प्राइस के आसपास लिस्ट हो, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को रिस्क कम रखनी है दीप,
तो फिर वो स्टॉप लॉस लगा कर रखें, और वो स्टॉप लॉस आपका 240 रुपए का होना चाहिए, 15-16 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट करना है तो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिजनेस मॉडल प्रमोटर्स को देखते हुए आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर अच्छा सब्सटेंशियल डिस्काउंट मिल जाए, सपोज 256 रुपए की प्राइस है, गलती से 210 रुपए की प्राइस में अगर आ जाए, आएगा नहीं, अगर आ जाए तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा आपको। तो कहीं कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, प्रमोटर्स अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूएशन और रीजनेबल होता तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अपने जमाने की अकेली कंपनी होगी इस तरह की, तो उसमें वैल्यूएशन आप जस्टिफाई मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि आप केएम सीडीएसएल वगैरह से कंपेयर करते हैं जो कि वन ऑन वन नहीं है। तो आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा सा है, तो इश्यू प्राइस के आसपास ही कहीं लिस्ट होना चाहिए, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। लॉन्ग टर्म होल्ड है, लॉन्ग टर्म बढ़िया, इस कंपनी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो आज लिस्टिंग होने देते हैं, 256 का इश्यू प्राइस है, उसके आसपास देखते हैं लिस्टिंग होने की संभावना है। 240 के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखे, कोई परेशानी नहीं है इस कंपनी पर।